मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे चाय उबलने में लग गई है, अदरक बहुत ज्यादा डालने में आएगा क्योंकि कल रात को जो लोग मंदिर गए थे ना शिवरात्रि के दिन, तो हलवा था गाजर का हलवा, तो उससे ना सबका गला थोड़ा थोड़ा जल रहा है। बहुत ज्यादा स्वीट था, बहुत अच्छा था पर स्वीट था थोड़ा सा, तो थोड़ा ज्यादा ही स्वीट था ऐसा मुझे लगा, इसलिए गला जल रहा है। और उसके बाद बटर मिल्क तो हमारे यहाँ होती है, देख के ना पीने का मन हो जाता। मुझे वैसे पर्सनली बहुत अच्छी लगती नहीं है, पर कुछ पीने का नहीं हो तो फिर लग गया। गिरीश का भी गला जलने लग गया है, और बच्चों ने तो आई डोंट थिंक सो खाया था या नहीं खाया था, पोटैटो की सब्जी ही खाई थी आई थिंक। तो ये पूरा का पूरा अदरक का टुकड़ा जाएगा आज चाय में, और ये है इंडियन अदरक। यहाँ पे इंडियन अदरक भी मिलता है, और यहाँ का मिलता है या कौन सी सिटी का मिलता है, कंट्री का में मिलता है नहीं पता, पर जो दूसरा आता है ना वो इतना बड़ा बड़ा आता है, उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा आता। आता है अदरक जैसा पर इतना स्ट्रांग नहीं आता, एकदम माइल्ड आता है। कितना भी छीट के डालो फिर भी लगता ही नहीं है। वैसे हमारे इंडिया में बोलता है ऐसी चीजों को चाइना की चीजें बोलते हैं, तो उस तरह से भी होगा कोई कंट्री का पता नहीं। सिर्फ अदरक ही नहीं, बहुत सारी चीजें जो है वो पहले जो नहीं मिलती थी अभी मिलने लग गई है। मुझे लगता है कि अभी थोड़े टाइम में पूरा का पूरा इंडिया जैसा ही यहाँ पे लगने लगेगा, क्योंकि अभी हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत रैपिडली बढ़ रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं दिन में लाइक आई थिंक 10 से 12 क्वेरी तो होती है इंस्टाग्राम में मेरी कि कोई कहीं पे रूम अवेलेबल है, कहीं पे जॉब अवेलेबल है, तो प्लीज बताएं। मैं ट्राई करती हूँ, सबको रिप्लाई देती भी हूँ और सबको पूछ के बताती भी हूँ अगर मिलता है तो। आज बना लेते हैं ब्रेकफास्ट में उत्तपम। तो उत्तपम के लिए मैं सूजी ले लेती हूँ पहले, फिर सारे वेजिटेबल जो है वो चॉप कर लेती हूँ, या फिर क्या बोलते हैं खमन का पैकेट है वो बना दूं, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। पूछते हैं गिरीश को, उसके बाद बनाते हैं। पूछने का टाइम नहीं है वैसे, क्योंकि आज 9 बजे निकल जाना है तो जल्दी बनाना पड़ेगा। शिववादी, हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आ जाते हैं, बस जगे ही है ये लोग। अभी हॉलीडे स्टार्ट है ना, तो बहुत मजे है ना। चलो ब्रश टाइम। सॉक्स क्या छे बेहू ना, सॉक्स क्या छे? चल चलो सॉक्स पहनो। हर रोज दोनों को बोलना पड़ता है सॉक्स पहनना। नीचे ना हमारा ये थोड़ा सा ठंडा रहता है, ज्यादा नहीं मुझे नथी ठंडू। सोच रही हूँ कि ये खमन ही बना दूं, क्योंकि ये शिवांश को भी बहुत पसंद है, तो ये फटाफट भी बन जाएगा, क्योंकि 9 बजे तो गिरीश को निकलना है। बनेंगे कब, खाएंगे कब, निकलेंगे कब स्टोर के लिए, तो फटाफट से ये बन जाएगा क्विकली। चलो गिरीश, गुड मॉर्निंग। आओ चाय पीवा। चाय के साथ क्या चल रहा है? खारी 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 क्या बोलते हैं? खारी के बारे? नहीं, पुरवाली बिस्किट बोलते हैं। देखो ओके वो चल रही है। हम लोग आए ना तभी कितने की थी ये? 99 की। हाँ, मैं जब इंडिया से फर्स्ट टाइम आई थी ना 2010 में, उस टाइम पे 99 पेंसे थी, और अभी कितने की? 230-250 अराउंड। क्योंकि उस बीच में हम लोग कम लाए हैं, पर कम लाए हैं, दिखाई ही नहीं पड़ी अब तक हम लोगों को। तो अभी ये गिरीश को बहुत अच्छी लगती है ना, तो इस बार लेके आए। अच्छी है ना? मुझे याद है हम लोग इंडिया में लाइक जब छोटे थे ना, तो मम्मी पूरा का पूरा पैकेट लेके आती थी, और जयदीप एक साथ सब कुछ फिनिश कर देता था। ये पैकेट इतना छोटा नहीं आता था, कितना बड़ा आता था। कैसा रहा कल का एक्सपीरियंस हलवे का? सारा तो पर थोड़ी शुगर वधार में लगी, पर प्रसाद देते तो ओला छे। शुगर आती ना थोड़ी, मने उफ दे गड़बड़े छे। नहीं सजे नहीं, प्रसादी थी ना इसीलिए। तो यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ कथा जी। कैसे हैं आप? सेलिब्रिटी होते हैं जुड़ चुकी है। अच्छी हूँ मैं, अच्छी आप कैसे हो? मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, पर अच्छी हूँ वैसा कुछ है, कल पता चल ही जाएगा। वैसे दर्शकों बने रहिए, दर्शकों बने रहिए। मैम जब Thank you.
गुड मॉर्निंग। ऊपर का फ्लोर का सारा कुछ काम करके आ रही थी नीचे की तरफ और इतनी आवाज आना स्टार्ट हो गई, फिर आज गला बैठ गया है थोड़ा। सुबह उठ के ब्रश करके सब कुछ काम खत्म करके ऊपर का फिर ही नीचे आई हूँ ताकि ऊपर वापस से जाना ना पड़े कब सब कुछ करने के लिए, क्योंकि ओह माय गॉड पिलो फाइट। और यहाँ पे टीवी पे ऑलवेज हमारा 24 आवर चलता, अने धीमो करने थोड़ा यार, हेडेक हो जाता है सुबह सुबह, इतना फास्ट टीवी रखता है ना शिवांश। चलो चाय पी लेते हैं, गिरीश चले गए हैं, मैंने कल थेपला ज्यादा बना लिया था, आज मुझे ना थोड़ा तबीयत वैसा लग रहा था ना अपडाउन, तो कल रात को ही मैंने बना दिया था ज्यादा थेपला, तो वो अपना थेपला का ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। आज भिंडी बनानी है तो भिंडी बनाएंगे, और आज कपड़े धुल चुके हैं तो बाहर आज बहुत अच्छी सी धूप आने वाली है पूरा दिन, तो कपड़े बाहर डालेंगे इंडिया के जैसे आज, तो थोड़े से बस एक बार ड्राई हो जाए थोड़े से फिर बाहर डाल देते हैं। सुबह सुबह हेयर कट का कार्यक्रम आज स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कितने दिनों से मैं प्लान कर रही थी आदि के हेयर कट करवाने के लिए, अभी उसके साथ साथ आदि शिव के भी बढ़ गए हेयर, तो दोनों के, ये बॉयज का बहुत ये लोचा रहता है, एवरी 1.5 मंथ हेयर कट का हो ही जाता है मसला, गिरीश घर पे होता नहीं मुझे जाना पड़ता है, मुझे इतना बोरिंग लगता है ना ये काम। ओ पैसे तो लिए नहीं पर्स, show me you good। ये देखिए मैजिक। ये उसको ना वो मेरी मम्मी ने इंडिया से भेजा था ना वो स्ट्रिंग ब्लैक कलर की, ओ माय गॉड कहाँ कहाँ से जा रहा है, ओ गॉड ट्रेम्पोलिन का पूरा वहाँ पे लगा दिया, वहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे ओ यहाँ ए रन अवे वाली पकड़ है दारू करे। चलिए एक बज गए हैं दोपहर के, वहाँ पे बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं दोनों के दोनों, नहा धो के रेडी होके हेयर कट हो जाता है ना, तो नहाते नहीं है ना फिर भी नहा हुए लगते हैं, आदि के इतने ज्यादा हेयर बढ़ गए थे ना, और यहाँ पे हमें दे दिया है सरप्राइज गिरीश ने, मुझे क्या पता कैसे आ गए यहाँ पे घर पे काम है। यस तो गिरीश ने दे दी है सरप्राइज, आज पहली बार बीच में आ गए है घर पे, तो आज थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि बच्चों के हॉलीडे है ना, तो कहीं पे ले जाएंगे वैसा कुछ करेंगे। चलिए आज बहुत ज्यादा लंबा नहीं वीडियो आया, बस इतना ही है, अभी करते हैं वीडियो का एंड यहीं पे। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर। ओह गॉड पूरा स्ट्रिंग और सब भी जगह पे देखो, ओह माय आ बधું નીકળ છે કેવી રીતના આવે સીઝર્સ વોટ સીઝર્સ સ્ટિક્સ આદી કેવી રીતે કરીશ આ બધું હવે આજે મેજિક કરીશ ઇતના અચ્છા હેરકટ કિયે દેખો સ્માઈલ કરા દી ગુડ બોય